नमस्कार, सलाम, आदाब। कलम चलेगी तो तावीज़ बनेगी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रजिस्ट्रेशन के हिसाब से और सीबीआई द्वारे पेश किए गए डाटा के अनुसार भारत में कुल पंजीकृत एनजीओ यानी संस्थाएं की संख्या लगभग 31 लाख से अधिक है, किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ संस्था को रजिस्ट्रेशन करा के सरकार की दलाली करके अपना जेब भरने में मस्त रहते हैं। तो कुछ संस्थाएं धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए कार्य करती है, लेकिन इस जमीन पर ऐसे लोग भी संस्था चला रहे हैं जो समाज में लोगों की हर संभव मदद किया करते हैं, और वहीं पर भी ऐसे भी संस्था पंजीकरण करा के जनता के बीच सहयोग करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। आज भारत में कुछ ही संस्थाएं हैं जो वैश्विक महामारी कोरोना बीमारी के दौरान अपने कर्तव्य को बखूबी अंजाम देने के लिए सामने आए। सिख और मुस्लिम समुदाय की ज्यादातर संस्थाएं इंसानी मदद को आगे आए हैं। इसी कड़ी में वैश्विक महामारी के मुश्किल घड़ी में नोबल इंटीग्रिटी फाउंडेशन गरीब बेबस मजदूरों का सहारा बना। इन्होंने तालाबंदी के शुरू आते दिनों से लेकर अब तक लगातार खाने के पैकेट, राशन से लेकर मेडिकल सुविधाएं भी लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराते चले आ रहे हैं। जी हाँ, हम आपको ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे नोबल इंटीग्रिटी फाउंडेशन के बैनर तले। इस वैश्विक महामारी में रोजाना हजारों लोगों को हर संभव मदद कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं मुंबई के मलाड पठानवाड़ी के नोबल इंटीग्रिटी फाउंडेशन के फाउंडर जनाब असद सिद्दीकी के बारे में, और इनके साथ होंगे हमारे संवाददाता बेलाल अहमद। आप अपने संस्था के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन बताइए आप थोड़ा जनता को। जैसे कि सोशल वर्क तो हम तो काफ़ी सालों से किया करते थे, लेकिन हमारे पास एक कोई मंच नहीं था, तो हमने ये निर्णय लिया। पिछले साल 2019 में जनवरी में हमने अपना NIF नोबल इंटीग्रिटी फाउंडेशन, जिसका हिंदी में ये शब्द होता है कि एकता अखंडता का मंच, तो हमने एक मंच तैयार किया और हमने इसके ऊपर एक सोशल वर्क स्टार्ट किया। इसके बाद आपके पास सोशल पावर था या पॉलिटिकल पावर था इसको बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए मैंने जो है सोशल पावर को जो है यूज़ किया है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर पे मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो एक अगर एक मुहावरा दिया जाए तो बिन पेंदी के लोटे हैं वो, जब उनको ज़रूरत होती है तो वो मतलब बाबू भैया करके इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो है हमको जो है फिर लात मार के हटा देते, फिर पहचानने से इनकार करते हैं। इसीलिए हमने पॉलिटिकल्स को किसी को ज्वाइन नहीं किया, इसमें जितने हैं सब के सब सोशल पावर है। अभी जो आप कार्य कर रहे हैं इसमें पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल लोग करते हैं या ऐसे आपके पास सिर्फ सादे भेस में आते और चले जाते काम कर रखे? नहीं नहीं, हमने जो है इसमें पॉलिटिकल लोगों का ज़रा भी हम सोर्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम जो भी इस्तेमाल करते हैं ये सेल्फ डिफेंस और सोशल एक्टिविस्ट का पावर इस्तेमाल करते हैं, और काम हम जो है चाहे छोटा हो या बड़ा हो हम अपने सेल्फ डिफेंस से करते हैं, अपने लेटर हेड पर काम करते हैं। आप इस NGO के बारे में क्या ख्याल रखते हैं आप? जैसे कि NGO एक आवाम की जनता के लिए सेवा के लिए बनाई जाती है। मैंने देखा कि यहाँ पर हर गली में हर मोहल्ले में एक एक NGOs हैं, लेकिन जिस मकसद से लोग बनाते हैं उस मकसद से हट करके उसके ऊपर वर्क करते हैं। लोगों ने एक धंधा बना लिया, एक चंदा और धंधा, NGO बस एक नाम के लिए हो गई है। तो मैंने बहुत सारे फाउंडेशन बहुत सारे NGO से मिल करके काम किया, लेकिन उनके विचारधारा वो हमसे मिलते नहीं थे। मैंने बहुत लोगों को मतलब अपने तरीके से समझाने की और अवेयरनेस लाने की कोशिश किया, लेकिन लोगों के विचारधारा हमसे मिलते नहीं थे। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म तैयार करूँगा। मैंने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो हमारी टीम्स हैं, उनके विचारधारा हमसे मिलते हैं और उन लोग सोशल वर्क करने में बहुत दिलचस्पी से करते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन में बहुत सारे खिदमत को अंजाम दिए हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 महीने से कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन हम लोग यहाँ पे बांट रहे हैं। कम से कम 10,000 से ज़्यादा मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ पे बांट चुके हैं, और कम से कम 800 से 1,000 के बीच घरों में हमने यहाँ से राशन पहुँचा चुके हैं। ये मेडिकल हेल्थ से मतलब रिलेटिव क्या है? मेडिकल हेल्थ चेकअप, जैसे कि अभी गाँव जाने के लिए पुलिस चौकी में जब फॉर्म लोग जमा करते थे तो उसके साथ में उनकी फिटनेस की एक सर्टिफिकेट मांगते थे कि तुमको कोरोना नहीं है, तुमको कोई सिम्टम्स नहीं है, सर्दी खांसी बुखार नहीं है,
तो इसके रिलेटेड एक फॉर्म होता है जो हम यहाँ से स्टैम्प चेक करके स्टैम्प मार के साइन करके देते हैं कि मतलब ये अप टू डेट है, फिट है, ये मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। इसको बोलते हैं मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट। तो ये जैसे कि तमाम जीपी जो डॉक्टर लोग हैं उन लोग 200-300 रुपये चार्ज किया करते थे, तो वक्त के हालात को हमने देखा कि यहाँ पर लोग एक एक वक्त का खाना खाने के लिए परेशान थे, मोहताज थे। हमने कम से कम जो है जब लॉकडाउन हुआ था तो सुबह और दोपहर का खाना और रात का खाना कम से कम 400-500 आदमियों का एक पका हुआ खाना पैकेट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद जो है कम फिर कच्चा जो राशन है वो भी हम लोगों ने सप्लाई किया। और फिर उसके बाद देखे कि लोगों का खाना से गुजारा तो हो जा रहा है, लेकिन क्या है फिर ये हेल्थ को लेकर के कुछ कोई नहीं कर रहा है। तो हमने ये डिसीजन लिया कि अब हेल्थ के बारे में भी कुछ डिसीजन लेकर के कुछ वर्क किया जाए, क्योंकि जो है मतलब आज के डेट में लोगों के पास पैसा नहीं है ना दवा लेने के लिए ना ही एक वक्त का खाना खाने के लिए। तो इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग फिर ऑफकोर्स में दवा मेडिसिन देंगे और बाकी जो भी हमसे हो सकेगा अच्छे से अच्छा बेहतर काम करेंगे। तो लगभग आपके पास तो आंकड़ा होगा कि अब तक हमने कितना किया ये लॉकडाउन के अंदर, कितने लोगों का मतलब फिट किया और मेडिकल सर्टिफिकेट दिया होगा समथिंग? मेडिकल सर्टिफिकेट जो है करीब अभी 10,000 के लगभग हमने यहाँ से मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट लोगों को इशू कर चुके फ्री ऑफ कॉस्ट। और रोज़ाना कम से कम जो है 60-70 पेशेंट यहाँ से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये आप अभी जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक करेंगे या लॉकडाउन खत्म होने के बाद? जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और लॉकडाउन खुलने के बाद एक साधारण सा कुछ चार्ज रखा जाएगा। अभी इसके बारे में हमने कुछ फैसला नहीं लिया है, अभी कमेटी बैठ करके इसके ऊपर बात करेंगे, जो भी फैसला होगा हम आपको बाद में इन्फॉर्म करेंगे।